बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन उर्दू यूजिंग सी प्लस। व्यूअर्स, प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पॉलीमॉर्फिज्म का समझ लें कि एक मेन फीचर है। इसके थ्रू हम बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और समझ लें कि रियल लाइफ की जो प्रोग्राम है या रियल टाइम जो प्रोग्रामिंग है ना, वो प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू ही होती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का समझ लें कि बेस्ट फीचर्स है। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं? ए वर्चुअल फंक्शन दैट इज़ ओनली डिक्लेयर बट नॉट डिफाइंड इन द बेस क्लास इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसको हम सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, बस उसको डिफाइन नहीं करेंगे, वो हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएगा। ए टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन दैट हैज़ नो बॉडी इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन। जिसकी व्यूअर्स बॉडी नहीं होगी, ऐसा वर्चुअल फंक्शन जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी, उसे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन इज इनिशलाइज विद जीरो वैल्यू जीरो। इसको इनिशलाइज हम किससे करेंगे? जीरो से करेंगे। इन इट्स डिक्लेरेशन इन बेस क्लास एंड हैज़ नो डेफिनेशन रिलेटिव टू द बेस क्लास। व्यूअर्स, इस फंक्शन को हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे बेस क्लास के अंदर और इसकी कोई डेफिनेशन हम नहीं बनाएंगे। द प्योर वर्चुअल फंक्शन आर यूज इन द बेस क्लासेज विच आर नॉट यूज डायरेक्टली। प्योर वर्चुअल फंक्शन व्यूअर्स ऐसी क्लासेज के अंदर बनाए जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। द यूज़र कैन इनहेरिट द क्लास एंड देन ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द चाइल्ड क्लास। व्यूअर्स, प्योर वर्चुअल फंक्शन को एक दफ़ा हम किसी बेस क्लास में बनाएंगे और उसको ओवरराइड कर देंगे तमाम चाइल्ड क्लासेस के अंदर। द प्योर वर्चुअल फंक्शन सिंपली टेल द कंपाइलर दैट द फंक्शन इज प्योर। द क्लास दैट कंटेन द प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली टू एक्ट ए पेरेंट ओवर बेस ऑफ द डायरेक्ट क्लास। व्यूअर्स, जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसको हम व्यूअर्स एज ए पेरेंट क्लास या बेस क्लास ही यूज करेंगे। दिस फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड इन द ड्राइव क्लास। इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो है ना हमारी व्यूअर्स ड्राइव क्लास के अंदर होगी। इफ़ ए क्लास इज ड्राइव फ्रॉम द बेस क्लास हैव प्योर वर्चुअल फंक्शन दैन दैट वर्चुअल फंक्शन रिमेन प्योर इन द ड्राइव क्लास। व्यूअर्स, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में यह कहूँ कि आप अगर आपने बेस क्लास के अंदर एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन बनाया है जिसको आप इनिशलाइज करते हैं जीरो के साथ और इसको डिफाइन नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, तो वो आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन कहलाएगा। तो अब आ जाते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। ए क्लास दैट हैज़ एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हम बनाएंगे वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ए टाइप ऑफ क्लास दैट कंटेन एनी प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सच ए क्लास इज यूज ओनली एज ए बेस ऑफ द डायरेक्ट क्लास। व्यूअर्स, जिस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर देंगे उसको सिर्फ आप बेस क्लास के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन दैट नो ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड। व्यूअर्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर क्रिएट नहीं कर सकते, बट उसका पॉइंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेस क्लास फ्रॉम विच क्लास मे इनहेरिट फ्रॉम। द क्लासेज फ्राम विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड आर कॉल्ड कंक्रीट क्लास। ऐसी क्लासेज जिनके हम ऑब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं उनको हम कंक्रीट क्लास कह देंगे। द कंक्रीट क्लास हैज़ नो प्योर वर्चुअल फंक्शन। कंक्रीट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी क्लासेज जिसके प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं होंगे उन्हें हम कंक्रीट क्लास कह देंगे, और जिस क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आसान लफ्ज़ों में व्यूअर्स बात की जाए, ऐसी क्लास जिसके अंदर कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहला देंगे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का व्यूअर्स कभी भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं होता, बस कि आप उसका पॉइंटर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स की लाइव कोडिंग की बात की जाए तो देखिए, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ पर्सन की, और इसके अंदर पब्लिकली मैं एक वर्चुअल फंक्शन बनाता हूँ वॉइड शो के नाम से, और इसको व्यूअर्स मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ ज़ीरो के साथ। तो व्यूअर्स, ये मेरा एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन, और ये किस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ? ये पर्सनल क्लास के अंदर है, तो ये मेरी क्लास व्यूअर्स एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी।
तो विवर्स वर्चुअल फंक्शन जो होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है उसको हम इनिशलाइज जीरो से करते हैं डिक्लेयर टाइम पे, और इसको हम डिफाइन नहीं करते। आगे हम बनाते हैं क्लास एम्प्लॉय के नाम से और इसको पब्लिकली इनहेरिट कर देते हैं पर्सन के साथ, पब्लिक वाइड शो। और यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट, दिस इज एम्प्लॉय मेथड। और उसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ टीचर की और इसको पब्लिकली इनहेरिट कर देता हूँ मैं एम्प्लॉय के साथ। और यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक वाइड शो, और यहाँ पे मैं लेता हूँ सी आउट, दिस इज टीचर क्लास मेथड। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय क्लास मेथड। तो व्यूअर्स अब मैं जाता हूँ जी मेन के अंदर, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं पर्सन क्लास का एक पॉइंटर टाइप का एक, पहले मैं एक इसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ। तो ये देखें मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें ये एरर दे रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ऑब्जेक्ट टू बी ए एब्स्ट्रैक्ट टाइप पर्सन, क्योंकि पर्सन हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट इसका हम पॉइंटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पी टी आर इंडेक्स ज़ीरो इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय पी टी आर वन इज इक्वल टू न्यू टीचर, और यहाँ पे पी टी आर इंडेक्स ज़ीरो से हम एक्सेस कर सकते हैं शो मेथड को। और यहाँ पे पी टी आर वन इसको व्यूअर्स मैं रन करूँगा जैसे ही, तो ये देखें दिस इज एम्प्लॉय क्लास मेथड, दिस इज टीचर क्लास मेथड। व्यूअर्स देखें ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम पॉइंटर तो डिक्लेयर कर सकते हैं बट इसका हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया उसकी लेंथ हमें 2 रख दी, पी टी आर इंडेक्स 1 इसको हमने वेरिएबल ले लिया हमने एम्प्लॉय क्लास का, और ये वेरिएबल हमने लिया टीचर क्लास का, और इसके थ्रू हमने एम्प्लॉय का शो को कॉल कर लिया और ये टीचर के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने शो टीचर के मेथड को कॉल कर लिया। तो व्यूअर्स ये तो था कंसेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का और प्योर वर्चुअल फंक्शन का। यहाँ पे देखें मैंने एक क्लास बनाई पर्सन के नाम से जिसके अंदर मैंने एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाने का तरीकाकार होता है कि वर्चुअल का कीवर्ड और फंक्शन की रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और इसको इनिशलाइज कर देंगे हम जीरो के साथ, और इसकी बॉडी नहीं होगी या इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। ऐसी क्लास जिसके अंदर एक कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन होगा उसको हम क्या कह देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देंगे। तो हमने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर दिया पर्सन के साथ और टीचर को इनहेरिट कर दिया हमने एम्प्लॉय के साथ। तो ये तो था व्यूअर्स हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हम प्योर वर्चुअल फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, लव।